Hi everyone, hope you all must be doing great. Let's start with question number 31. Important question hai examination ke liye, and the students who are watching this video for the first time, please description mein ek link hai, file download kare aur questions karna shuru kare. This is question number 31. It says Mr. Pawan is a chartered accountant and his income from profession for the year 18-19, yani ki unki PGBP ki income is 10 lakh. He provides you with the following information for the year 18-19. Income from minor son Biju from company deposit 1,50,000 rupees. Inke minor son ki income aati hai from deposits. Agar minor ki income aati hai, to wo parents ke haathon mein club ho jati hai. Kis parent ke haathon mein, which who has higher income. Yahan par inki wife ke bare mein cheeze nahi di gayi hain, to hum assume karenge ki ye Mr. Pawan ke haathon mein hi club hongi. कौन कौन सी इनकम माइनर चाइल्ड की क्लब नहीं होती हैं? दो तीन इनकम है जो क्लब नहीं होती हैं. वन इज जो उनके नॉलेज स्किल या टैलेंट से आती है. अगर माइनर चाइल्ड अपने नॉलेज स्किल या टैलेंट से इनकम अर्न करता है तो वो क्लब नहीं होती है, माइनर चाइल्ड की अपनी रिटर्न जाएगी. दूसरी, फिजिकल या मैनुअल लेबर से, यानी कि अगर माइनर चाइल्ड मेहनत करके पैसे कमाता है तो उसकी इनकम भी क्लब नहीं होती है. थर्ड, अगर चाइल्ड फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो भी उसकी इनकम क्लब नहीं होती है और उसकी इनकम माइनर चाइल्ड की ही रहती है और उनकी अपनी रिटर्न जाती है. आई एम रिपीटिंग, तीन तरह की इनकम जो उन्होंने अपनी स्किल अपनी नॉलेज से कमाई वो इनकम क्लब नहीं होगी. अगर मैनुअल या फिजिकल लेबर करके कमाई तो क्लब नहीं होगी, और अगर वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो क्लब नहीं होती है. इसके अलावा सभी इनकम फादर या मदर के हाथों में क्लब होती है. जब भी चाइल्ड की इनकम क्लब करेंगे तो यू हैव टू गिव अ एग्जम्पशन ऑफ 1500 पर चाइल्ड. 1500 रुपये फिक्स्ड लिमिट है. किसी भी बच्चे की अगर इनकम क्लब कर रहे हो तो 1500 पर चाइल्ड के लिए एग्जम्पशन दोगे. तो यहाँ पर इनकम कंपनी डिपॉजिट से आई है, यानी कि बीजू की इनकम कोई अपने स्किल से मैनुअल लेबर से और फिजिकली हैंडीकैप नहीं है तो क्लब होने वाली है. 1,50,000 माइनस 1500 क्लब कर दीजिएगा. और कौन से हेड में, जिस हेड की इनकम होनी चाहिए उस हेड में, दैट इज IFOS. सेकेंड लिखा है इनकम ऑफ माइनर डॉटर चित्रा, शी इज अ प्रोफेशनल डांसर. नाउ चित्रा इज अर्निंग इनकम ड्यू टू हर स्किल, उनकी स्किल से इनकम आ रही है. सो दिस इनकम विल नॉट बी क्लब्ड, इसको क्लब मत कीजिएगा. थर्ड है कि इंटरेस्ट फ्रॉम SBI, इंटरेस्ट मिला है. इंटरेस्ट तो कोई सी मैनुअल लेबर करने से नहीं मिलता, कोई स्किल से नहीं मिलता, इंटरेस्ट तो ऐसे ही मिल जाता है, तो ऐसी इनकम तो क्लब होगी. तो इंटरेस्ट फ्रॉम SBI रिसीव्ड बाय चित्रा ऑन डिपॉजिट मेड इन 2016 आउट ऑफ स्पेशल टैलेंट, यानी कि 2016 में इनकी जो स्पेशल टैलेंट से इनकम आई थी वो तो क्लब नहीं, बट उस इनकम के ऊपर अगर इस साल इंटरेस्ट आ रहा है तो क्या ये इंटरेस्ट इनकम भी स्पेशल स्किल से आई है? द आंसर इज नो. ये इनकम तो सिर्फ एक इंटरेस्ट इनकम है. दैट विल बी क्लब 20,000 रुपीज माइनस 1500. 1500 चित्रा के लिए माइनस करेंगे और इसी तरीके से उनके बेटे बीजू के लिए भी 1500 एग्जेम्प्ट करेंगे. अब दोबारा से अगर कोई इनकम आएगी तो 1500 माइनस मत कीजिएगा, बिकॉज 1500 इज ओनली फॉर ईच चाइल्ड. आगे लिखा हुआ है गिफ्ट रिसीव्ड बाय चित्रा ऑन 3918 फ्रॉम फ्रेंड्स ऑफ मिस्टर पवन ऑन विनिंग नेशनल अवार्ड. ये कोई नेशनल अवार्ड जीती थी, कोई पार्टी दी होगी और गिफ्ट्स मिले. आपको पता है गिफ्ट्स टैक्सेबल होते हैं and they are taxable under IFOS. और अगर फ्रेंड से मिले तो भी टैक्सेबल होते हैं if the aggregate value of such gifts exceeds 50,000. But यहाँ पर 45,000 के गिफ्ट मिले हैं तो ये टैक्सेबल हो नहीं पाएंगे, this will be exempt. आगे लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म कैपिटल पवन 6 लाख लॉस है. शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, इसको हम सेट ऑफ करना पड़ेगा. हम इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ कर सकते हैं. 6 लाख को अभी हम सेट ऑफ करेंगे, देखते हैं कैसे कर पाएंगे. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर पवन इज 4 लाख. 4 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है. 6 लाख का लॉस था शॉर्ट टर्म, वो इससे सेट ऑफ हो जाएगा और अभी 2 लाख का लॉस और बचेगा. उसके बाद लिखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम शेयर्स STT पेड ऑफ मिस्टर पवन 10 लाख. पहले ये लास्ट असेसमेंट ईयर तक, असेसमेंट ईयर 18-19 तक जो लॉन्ग टर्म शेयर्स पर STT पे हो जाता था वो एग्जेम्प्ट होता था 1038, बट नाउ ड्यू टू अमेंडमेंट ये अब टैक्सेबल नहीं है. इसके ऊपर स्पेशल सेक्शन आ गया है 112A. अगर आप कोट कर सकते हो कीजिएगा,
अदरवाइज यू शुड नो कि आज अगर एसटीडी पे भी हुआ है तो ये इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होती है, दिस इज टैक्सेबल एट अ स्पेशल रेट ऑफ 10%। तो 10 लाख टैक्सेबल हो जाएगी आपकी, और क्योंकि हमारा एक लॉस बचा था 2 लाख का, वो इससे सेट ऑफ हो जाएगा, तो इनकम आई 8 लाख। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी है 10 लाख रुपीज़ का, 111A, 111A मतलब शॉर्ट टर्म इक्विटी शेयर्स बेचे होंगे। खैर 10 लाख का लॉस है और हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिर्फ 8 लाख ही बचा था, उसमें से उस 8 में से 8 को सेट ऑफ कर दीजिएगा, 2 बचेगा, दैट विल बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर। सो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। हेयर यू नीड टू कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ पवन एंड द लॉसेस टू बी कैरिड फॉरवर्ड। तो यहाँ पर आप इस तरीके से प्रेजेंटेशन देख लीजिएगा, आपको इस तरीके से शो करना होगा, जहाँ पर इनकी टोटल इनकम आप शो करिए और बताइए कितना लॉस कैरी फॉरवर्ड हो पाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।